हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं सैमसंग के उन स्मार्टफोन के बारे में जिन्हें नए A40A अपडेट्स मिले हैं। और दोस्तों यहां पे काफ़ी अच्छा अपडेट मिला है जो कि यहां पे फाइनली यहां पे सैमसंग गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी के लिए यहाँ पर इंडिया में एक नया A40A अपडेट मिल गया है, जिसके अपडेट की साइज़ यहाँ पर 331 MB के आसपास की है, जो कि यहाँ पर कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट और मेंशन नहीं करा गया है, जो कि इसमें 1 जून 2019 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिला है सैमसंग गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी में। दोस्तों यहाँ पे फाइनली यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी को यहाँ पे इंडिया में अपडेट मिल चुका है। जो भी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी यूज़र हैं अपना फ़ोन अपडेट कर लें, क्योंकि इस फ़ोन को यहाँ पर अपडेट मिल गया है। दोस्तों उतना अच्छा अपडेट नहीं मिला है जो कि यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच होना चाहिए था 1 जुलाई का, जो कि यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं मिला है, जून का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला है। दोस्तों नॉट बैड, अच्छा ही है जो भी मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी J7 Duo के लिए यहाँ पे एक अपडेट मिला है, जिसके अपडेट की साइज़ है काफ़ी छोटी है, जिसके अपडेट की साइज़ यहाँ पे 13 MB के आसपास के है, 13 MB के आसपास के, जो कि यहाँ पे मई 2019 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला है, जो कि यहाँ पे पाई अपडेट मिला था तभी इसको यहाँ पे 1 मई 2019 का अपडेट यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिला था। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J7 Duo यूज़र हैं अपना फ़ोन अपडेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक A40 अपडेट मिला है 13 MB का, तो अपडेट कर लेना। तो दोस्तों तब तक के लिए वीडियो में यही थी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।